Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today in our English grammar class of grade 1st, we are going to start with worksheet number 7, chapter pronouns. A pronoun is used in place of a noun. Pronouns वह words होते हैं जो noun की place पे use होते हैं. Example, I, you, he, she, it, we, etc. Now let's begin with exercise A. And exercise A says encircle the pronouns that have been used in place of nouns. Exercise A कह रही है उन pronouns को encircle करना है जो noun की place पे use हुए हैं. First, the puppy is under the table. It is black. Noun क्या है? Puppy. So हमने puppy के लिए कौन सा pronoun use किया है? It. इसलिए हम it को circle करेंगे क्योंकि ये it denote कर रहा है puppy को. Second, I and Sony are sisters. We are beautiful. इस सेंटेंस में आई मीन्स मैं, आई की जगह मैं अपना नाम लिख सकती थी बट नाम नहीं है. सो आई क्या है? प्रोनाउन, इसलिए हमने इसे सर्कल किया है. और आई और सोनी मिलके क्या बने? वी. सो वी भी एक प्रोनाउन है और इसलिए इसे हमने एनसर्कल किया है. थर्ड, इट इज अ चेयर. चेयर नॉन लिविंग थिंग है और इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? इट. सो हमने इट को एनसर्कल किया है. फोर्थ, ही इज इन फर्स्ट क्लास. ही की जगह कोई नाम हो सकता था बट यहाँ नाम नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है? ही मीन्स वह फर्स्ट क्लास में है और वह क्या है? प्रोनाउन, इसलिए हम इसे सर्कल में करेंगे. फिफ्थ, वी आर डांसिंग. हम डांस कर रहे हैं. हम की जगह नाम दे सकते थे लेकिन यहाँ कोई नाम नहीं लिखा है इसलिए हम क्या करेंगे? वी को सर्कल करेंगे क्योंकि वी प्रोनाउन है. सिक्स्थ, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. वो फुटबॉल खेल रहे थे. कौन कौन खेल रहा था? नेम नहीं मेंशन है और जब नेम की जगह कोई वर्ड यूज होता है तो वो क्या होता है? प्रोनाउन. सो दे क्या है? प्रोनाउन. और हमें किसे एनसर्कल करना है? प्रोनाउन को. सो हम दे को एनसर्कल करेंगे. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज बी एंड इट सेज फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, ही, शी और इट. यहाँ कुछ ब्लैंक्स मिले हैं और हमें इनमें आई, ही, शी या इट फिल करना है. फर्स्ट, डैश एम अ डांसर. बच्चों जब भी एम लिखा होता है हम क्या यूज करते हैं? आई. एम हमेशा आई के साथ यूज होता है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई. आई एम अ डांसर, मैं डांसर हूँ. सेकंड, डैश इज अ कार. बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लाइक कार, पेन, बॉल और एनिमल्स के साथ हम क्या लगाते हैं? इट. और यहाँ पे क्या लिखा है? कार. कार नॉन लिविंग थिंग है सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई, टी, इट. थर्ड, डैश इज माय फादर. फादर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है और हम फादर के लिए क्या यूज करेंगे? आई, ही, शी या इट? यस, हम क्या यूज करेंगे? ही. हम क्या लिखेंगे? एच ई, ही इज माय फादर, ये मेरे फादर हैं. फोर्थ, डैश इज माय आंट. आंट क्या है? फेमिनिन जेंडर और फीमेल्स के लिए हम क्या लिखते हैं? शी. सो इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? शी. एस एच ई, शी.
She is my aunt. Fifth, dash is a ball. अभी बताया था नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं. सो बॉल क्या है? नॉन लिविंग थिंग. इसलिए इस डैश में हम क्या लिखेंगे? इट, आई टी, इट. इट इज अ बॉल. ये एक बॉल है. होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वर्कशीट. नाउ राइट दिस वर्कशीट neatly in your notebook. Thank you.